तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर में निकली बम्पर भर्तियां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है एयरफोर्स अग्निवीर का दोस्तों। तो उसमें बताने का प्रयास करेंगे कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसमें अगर 10वीं और 12वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें टोटल वैकेंसी 3500 पदों पर निकाली गई दोस्तों। अग्निवीर के पदों पर यह वैकेंसी है, वायु अग्निवीर के पद पर दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका आवेदन प्रक्रिया सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। पूरे ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें 30,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फी के बारे में, तो UR जनरल OBC के लिए 200 रुपये रखे गए है। वहीं SC ST फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अप्लीकेशन फी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के सहारे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया है दोस्तों। जो आपका इस कम से कम 17.5 से लेकर 25 वर्ष तक होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप OBC का कैंडिडेट है तो 17.5 से लेकर 28 वर्ष तक आपका एज होना चाहिए दोस्तों। वहीं अगर आप SC ST का कैंडिडेट है तो 17.5 से लेकर 30 वर्ष आपका एज होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिजिकल के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए हाइट के बारे में बताया गया है। जो मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, वहीं फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर होना आवश्यक है दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं, रनिंग के बारे में यहां पे देखिए जानकारी दिया गया है। जो 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 6.5 मिनट में पूरा करना होगा दोस्तों, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा दोस्तों। देखिए इसमें आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों। तो फोटो एंड सिग्नेचर इसमें लगेगा दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिकल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। अगर आप SC और ST का कैंडिडेट है तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड है, जो भी आपको लग सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दिया गया है दोस्तों। जो सबसे पहले आपको राइटिंग एग्जाम लिखना होगा, जो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, इसमें आपके हाइट और रेस इस सब के बारे में पता किया जाता है दोस्तों कि आप एलिजिबल है या नहीं। आप देखिए इसमें मेडिकल एग्जाम देना होगा दोस्तों, यानी कि इसमें आपको शरीर के अंग के जांच होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, उसमें आपको पता चलेगा कि आप सिलेक्शन हुआ है आपका या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है दोस्तों, और इसका लास्ट डेट 17 अगस्त तक चलेगा दोस्तों। तो आवेदन समाप्त होने से पहले जल्दी करें। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एडमिट कार्ड का डेट अभी तक नहीं आया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एग्जाम 13 अक्टूबर तक लिया जा सकता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप किस तरह से ऑनलाइन होगा उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। चाहे इसे पढ़कर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड के माध्यम से यह झप गया दोस्तों। यहाँ से अवेलेबल लिंक लिखा हुआ है, यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं दोस्तों, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया है। तो आवेदन करने से पहले उसे जरूर पढ़ लें दोस्तों, उसमें और भी जानकारी दिया गया है। यहाँ से आप ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।